नवरात्रे मौके अमृतसर के श्री दुर्गयाना तीर्थ विच स्थित हनुमान जी के मंदिर विच लंगूरां दा विशाल मेला लगता है। लोग देश विदेश तो अपने बच्चों नूं इत्थे आके लंगूर बनाउंदे हन। यह परंपरा क्यों शुरू हुई जदों असीं गलबात कीती तां उत्थे दे पुजारी ने दस्सिया कि जिन्हां दे घर कोई औलाद नहीं हुंदी ओह इत्थे आके इच्छा रखदे हन अते आउण वाले एक साल दे विच उन्हां दी इच्छा पूरी हो जांदी है ते फिर ओह अपने बच्चों नूं इत्थे आके खुशी नाल लंगूर बनाउंदे हन। यह मेला पहली नवरात्रि तो शुरू होकर दशहरे तक चलता है। दशहरा ग्राउंड विच एक मंदिर भी है। रावण नूं साड़न तो पहले यही लंगूर पहला उस उत्ते तीर चलाउंदे हन अते फिर रावण नूं साड़िया जांदा है। 15 अक्टूबर 2013 नूं होण वाला यह मेला सवेरे 4 बजे तो शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चलता है, जिस विच छोटे बच्चे लंगूर बनते हैं। लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। इस तो बाद 1 घंटा आराम हुंदा है। दोपहर 3 बजे जदों मंदिर खुलेगा अते रात मंदिर 10 बजे तक यह मंदिर खुला रहेगा। दोवें समय बच्चे इत्थे लंगूर बना के उन्हां दे माँ बाप इत्थे लैके आउंदे हन। दस्सिया जांदा है कि यह महानता है कि असीं इत्थे अगर अपने बच्चों नूं लैके आउंदे हाँ तो सानूं हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। ये ऐसा है कि रामायण काल का मंदिर है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था, तो घोड़ा को राम जी की सेना ढूंढती ढूंढती आई और लवकुश ने घोड़े को पकड़ा है। लवकुश के साथ सभी का युद्ध हुआ है, हनुमान जी भी साथ में आए हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा है कि ये इतने छोटे बच्चे हैं और इतने वीर हैं, ये कौन है, तो हनुमान जी ने ध्यान लगाया है तो देखा तो उनमें राम जी का दर्शन किया है हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया है लवकुश से, तो लवकुश ने हनुमान जी को यहाँ पर बांध दिया है। तो ये जो हनुमान जी हैं बहुत प्राचीन है और बैठी हुई मुद्रा में है। ये सामने जो ग्रह है उससे हनुमान जी को बांधा गया है, इसीलिए हनुमान जी का मुख इधर की साइड में है। बहुत प्राचीन है, रामायण काल से ये हनुमान जी हैं, विराजमान हैं, स्वयं भू हैं, अपने आप प्रकट हुई मूर्ति है ये। और ये जो लंगूरों का क्या इतिहास है इस मंदिर में? लंगूरों का इसीलिए इतिहास है कि जो बच्चे थे लवकुश उन पर प्रसन्न हो गए हैं और तभी से ये बच्चों पर प्रसन्न होते हैं। जिनके संतान नहीं होती है तो उनको ये आशीर्वाद देते हैं या फल देते हैं और उससे वो बच्चे जब होते हैं तो उनको लंगूर बनाते हैं, लाल वस्त्र पहना करके और उनको लंगूर बनाया जाता है। और साल में ये जो शरद के नवरात्रे हैं इनमें मत्था टेकते हैं, साल में एक बार ही लंगूरों का मेला लगता है यहाँ पर। लंगूर बनाने कोई आयु है कोई? क्या लंगूर जो बनाते हैं लोग उसकी कोई आयु है? आयु में ये है, हाँ, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल में बनते हैं, चौथी साल में नहीं बनाते हैं, फिर पांचवीं में बनाते हैं, सातवीं में बनाते हैं, नौवीं में बनाते हैं, ग्यारहवीं में बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, 4-8-12 में नहीं बनाते हैं। ये जो मंदिर आप जो 15 तारीख को पहला नवरात्रा 15 तारीख ये कितने बजे यहाँ शुरू हो जाएगा? यहाँ सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाएगा और जो लंगूर बनने वाले हैं वो 3 बजे आ जाते हैं। सुबह 3 बजे आकर के पहले पूजा कराते हैं और वस्त्र धारण करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। जो ये दुर्गयाना मंदिर है उनके अंडर में ही है ये मंदिर? हाँ जी, हाँ जी, ये तो दुर्गयाना कमेटी के ही अंडर में है। अगर किसी के पास वस्त्र पहनाने के लिए ना हो तो क्या दुर्गयाना कमेटी उनका सहयोग करती है? दुर्गयाना कमेटी ने व्यवस्था की हुई है, उनको यहाँ पे वस्त्र दिए जाते हैं और वो पहले से वस्त्र ले जा रहे हैं। करीबन 1 महीना हो गया है, श्राद्धों से पहले से ही लेके जा रहे हैं वस्त्र सभी, और फिर अभी नवरात्रों में भी पहले नवरात्रे से भी फिर ले जाना चाहते, मस्या वाले दिन भी ले जाएंगे लोग, और पूरे नवरात्रे फिर जो वस्त्र पहले से ही मानो बांटे गए हैं वो पहन के फिर उस दिन चालू हो जाता है। जब हम पहले नवरात्रे को कोई बच्चा बनता है तो उसकी विधि क्या है, पूजन की विधि क्या है? उसमें नहा धोकर के बच्चे को घर से लाते हैं, माता पिता और बच्चा तीनों, उनके परिवार के रिश्तेदार वो भी आते हैं और पहले दिन पूजा होती है। पूजा करा के फिर बाने की पूजा करा के वस्त्रों की पूजा करके फिर वो वस्त्र धारण करते हैं और दोनों टाइम नंगे पैर ही मत्था टेकने आते हैं, सुबह और शाम को। सुबह मंदिर 1:15 बजे तक रहता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है, शाम को फिर 3 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे तक वो दर्शन करते हैं। दोनों टाइम नंगी पैरे आते हैं और ढोल नगाड़े के साथ में वो आकर के मत्था टेकते हैं यहाँ पे। और ऐसी ऐसी परंपरा है, अब हम उसको लास्ट दिन कब उनके वस्त्र जो है यहाँ फिर दोबारा वापस? हाँ, लास्ट वाले दिन जो दशहरा है उस दिन लास्ट होता है, रावण को
विजय करके यानी जब जिस समय पर राम जी गए हैं उस समय तीर मार के और फिर वो मत्था टेक देते हैं, उससे अगले दिन यहाँ करके सरोवर में यहाँ पे जो दुर्गाणा तीर्थ का सरोवर है उसमें स्नान कराते हैं बच्चे को पहले और फिर उन वस्त्रों को यहीं पे छोड़ देते हैं और दूसरे वस्त्र पहन करके और अपने प्रायश्चित के लिए यहाँ हनुमान जी के आगे मत्था टेक के माफ़ी मांग के कोई गलती हो जाती है, कई गलतियाँ अनजान में भी हो जाती हैं, ऐसी गलतियों के लिए माफ़ी मांग करके वो फिर यहाँ से जाते हैं और उससे उनकी कामना सब पूरी होती है। अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट।